एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज शाम के लिए मैंने लिया है चाय और रस्क और बिस्किट, क्योंकि आज दोपहर को मैंने लंच नहीं किया है तो अभी थोड़ा सा भूख लगा है। और ये शाम के नाश्ते के लिए आदि को मैं दे रही हूँ ये प्रोटीन पाउडर का ड्रिंक और ये बिस्किट एंड थोड़ा सा आलमंड। आदि को मैं देती हूँ किड्स ड्रिंक न्यूट्रीलाइट MU का, ये ड्रिंक देती हूँ शाम को। आज एक्चुअली लंच मैंने स्किप कर दिया था, मुझे उस टाइम पे भूख नहीं लग रहा था तो इसीलिए शाम होते होते थोड़ा सा भूख लग गया। मैंने सोचा कि थोड़ा सा चाय बना के 3-4 बिस्किट ही खा लूँ तो हो जाएगा मेरा। आप में से किन किन को चाय में ऐसे डुबो के बिस्किट खाना पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी आप क्या कर रहे हो? हैंड वॉश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस से बचने के लिए। ठीक है, अच्छे से हाथ धो लो। कोरोना वायरस को लेके अभी सब लोग बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो गए हैं, बच्चे हो या बड़े हो, सब लोग बहुत ही कॉन्शियस हो गए हैं उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि चारों तरफ कोरोना वायरस का जो आतंक है वो फैल गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, तो उड़ीसा में भी भुवनेश्वर में एक आदमी को सस्पेक्ट किया गया है कि वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। और मैं बारीपदा से हूँ, यहाँ पे भी आज सुबह मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि बारीपदा में भी किसी को सस्पेक्ट किया गया है कि वो शायद कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, तो उनको हॉस्पिटल लेके गए थे टेस्ट के लिए। बाकी का पता नहीं कि टेस्ट में पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, अब तक मुझे पता नहीं चला है। लेकिन हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम उसको थोड़ा कैसे प्रिवेंट कर सकें, बच्चों को भी हमें सिखाना पड़ेगा क्योंकि वो तो बच्चे हैं, वो उनको तो कुछ नहीं पता, लेकिन उनको हमें बताना पड़ेगा कि क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज के वीडियो में मैं थोड़ा आपके साथ इस विषय में बात करूं कि कोरोना वायरस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हमारे घर में। हालांकि सब लोगों को पता है, मुझे पता ही नहीं, तो आप लोग सोचोगे ये ज़्यादा जानती है ज़्यादा बोल रही है। मुझे पता है कि सब लोगों को पता है, बट फिर भी मैं सोच रही थी कि मेरे वीडियो में जो भी मेरे वीडियोज़ देखते हैं उनके साथ मैं थोड़ा इस बारे में इंटरेक्ट करूँ, उनको थोड़ा बताऊँ कि कैसे करके अपने फैमिली को कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उस बारे में कुछ थोड़ा सा टिप्स कुछ जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और अब तो सारे हेलोट्यून में भी यही कोरोना वायरस के बारे में बोल रहे हैं, मतलब कि जो भी अपने हेलोट्यून मोबाइल में रखे हैं अब हेलोट्यून नहीं बज रहा है, सिर्फ ये कोरोना वायरस के बारे में भी बोल रहे हैं। इसीलिए मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं तो आप प्लीज़ बच्चों को थोड़ा सिखाइए, उनको बोलिए कि कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस से क्या हो सकता है, उनको थोड़ा बोलिए ताकि उनको भी ये समझ में आए और वो भी उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोना वायरस से। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है कि आदि कैसे हैंड वॉश कर रहा था, वो एक्चुअली सच में बाहर कहीं से भी आता है तो पहले हैंड वॉश करता है, और खाना खाने से पहले हैंड वॉश करता है, खाना खाने के बाद हैंड वॉश करता है। और मैंने कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन मास्क ऑर्डर किया था, मैंने मेरे एक पिछली वीडियो में आपको दिखाया भी था, क्योंकि अभी स्टोर में जनरल स्टोर में या मेडिकल स्टोर में मास्क अवेलेबल नहीं है, सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं है, नहीं मिल रहा है वो, तो इसीलिए मैंने मास्क ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो हम अपने आप को ये COVID-19 मतलब कि कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, इससे हम खुद को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? फर्स्ट तो ये है कि एक दिन में हमें बार बार हाथ धोना पड़ेगा, मतलब हैंड वॉश अच्छे से करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग हमें यही करना है। सेकंड थिंग हमें करना है कि ठंडा चीज़ कुछ भी नहीं खाना है, मतलब कि फ्रिज का वाटर या फिर जूस कोल्ड ड्रिंक्स या फिर फ्रिज में रखा हुआ कुछ खाना हमें डायरेक्टली नहीं खाना चाहिए, उसको गर्म करके खाना चाहिए, पानी हमें गर्म ही पीना चाहिए। आप कोशिश करें कि दिन में आप जितनी बार पानी पी रहे हो थोड़ा सा गर्म पानी पिया कीजिए। और गर्म पानी का एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपके पास थर्मोफ्लास्क तो होगा ही, उसमें गर्म पानी स्टोर करके रख सकते हैं ताकि आपको बार बार पानी गर्म करके पीना ना पड़े, आपको जब भी प्यास लगेगी आप उससे पी सकते हो। लेकिन आप कोशिश करें कि पानी आप जितनी बार पी रहे हो एक दिन में थोड़ा गर्म पानी ही पीजिए। पता है कि अभी समर सीजन है तो गर्म पानी पीने का मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन अभी तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में ला के गर्म पानी पी लीजिए ताकि बाद में आपको उसके लिए कुछ रिग्रेट करना ना पड़े। और आप बाहर अगर कहीं भी जा रहे हो थोड़ा मास्क यूज़ कीजिए, क्यों मास्क यूज़ करने से एक तो कोरोना वायरस के लिए आप मास्क यूज़ करें और दूसरा है डस्ट के लिए भी आप मास्क यूज़ करना ज़रूरी है।
इसलिए मास्क यूज़ कीजिए, और अगर आप रीयूजेबल मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उसको कोशिश कीजिए कि एक दिन या दो दिन में उसको थोड़ा डेटॉल में धो के फिर पहनिए, वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर उसमें कुछ जर्म्स लगा होगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप खुद या फिर आपके आसपास कोई लोग हों जिनको थोड़ा सा कोल्ड या फीवर ऐसा कुछ हो रहा है, या बहुत ही वीक फील कर रहे हैं, हेडेक हो रहा है, स्नीजिंग हो रहा है, कफ हो रहा है, तो आप उनको सजेस्ट कीजिए कि वो थोड़ा डॉक्टर के पास जाएं, उनका चेकअप कराएं। हो सकता है कि वो नेगेटिव आए, लेकिन फिर भी चेकअप करा लेना ये ज़रूरी है। और आप खुद भी स्नीजिंग के टाइम में या फिर कफिंग के टाइम में थोड़ा सा एक रुमाल या फिर टिशू अपने मुंह में रख के स्नीज करें, या फिर अपने एल्बो को ऐसे करके स्नीज करें। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो आप घर से बाहर मत निकलिए। अगर कहीं दूर ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है आपको, अगर वो बहुत ज़रूरी है तो ही आप ट्रैवल कीजिए, नहीं तो कोशिश कीजिए कि आप घर में ही रहें। कि अब तो चारों तरफ सब कुछ बंद हो गया है, स्कूल कॉलेजेस तो बंद हो ही गया था, अब तो सारा शॉपिंग मॉल, सारा दुकान वगैरह ये सब बंद हो रहा है। छोटा मोटा रिटेलर खुला है, लेकिन जितने भी बड़े बड़े दुकानें हैं या फिर शॉपिंग मॉल है वो सारे बंद हो गए हैं अभी। लेकिन हाँ, इसको लेके ज़्यादा पैनिक मत होइए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग फेक न्यूज़ बना के चारों तरफ स्प्रेड कर देते हैं कोरोना वायरस को लेके। बहुत सारा फेक न्यूज़ अभी सोशल मीडिया में आ रहा है, जो नहीं हुआ है उसको वो एक सच्ची घटना ऐसे बता के चारों तरफ स्प्रेड कर रहे हैं, लेकिन उसको आप सुन के ज़्यादा पैनिक मत होइए, क्योंकि कोरोना वायरस को हम इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही डेंजरस है और उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। ये छोटा छोटा स्टेप्स अगर हम लेंगे तो इससे ये प्रिवेंट हो सकता है और हमें कुछ भी इसका इन्फेक्शन नहीं होगा। ये ज़्यादातर वही लोगों को इफ़ेक्ट करता है जिनका थोड़ा इम्यूनिटी पावर कम है। हमें इससे बचने के लिए बस थोड़ा सा ही सतर्क रहना होगा, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ज़्यादा पैनिक मत होइए। ये हो गया कोरोना वायरस के ऊपर बातचीत, जो कि मैं आपको पहले बोली थी कि कोरोना वायरस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। मतलब मैं बोलूँगी, आप तो नहीं बोल सकते अभी, मैं बोलूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि नहीं तो आप लोग सोचोगे कि ये क्या डॉक्टर या कुछ जो इतना बोल रही है हमें। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि सैनिटाइज़र अभी नहीं मिला है, मास्क तो मैं ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन सैनिटाइज़र मार्केट में नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला था कि सैनिटाइज़र लाने के लिए वो 3-4 दुकान ऐसे पूछे, लेकिन वहाँ पे नहीं मिला। देखते हैं मिलता है क्या या नहीं, क्योंकि अभी ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो वो भी बहुत दिन लग जाएगा अभी ऑनलाइन डिलीवरी होने में। आज भी वो घर आने से पहले जाएंगे, 2-3 दुकान घूमेंगे, पूछेंगे, अगर वहाँ पे नहीं मिलेगा तो हमने सोचा है कि कल सुबह सुबह ही पूरा बारीपदा का चक्कर लगाएंगे, जहाँ पे भी सैनिटाइजर मिलेगा 2-3-4 जितना भी मिलेगा उसको खरीद के ले आएंगे। और सैनिटाइजर अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बाहर जा रहे होते हैं, मतलब बाहर जाना तो हम बंद नहीं कर सकते, कुछ भी काम के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा, तो उसको पास में रखेंगे तो अच्छा होगा ना। तो इसीलिए सैनिटाइजर बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 3 तो हमें चाहिए ही चाहिए, मेरे लिए, एक आदि के लिए और एक आदि के पापा के लिए। मेरा घर का बाकी का काम तो खत्म हो गया है, अभी सिर्फ डिनर बनाने का टाइम है, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ रोटी और कुछ सब्जी बनाऊंगी और ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए अभी मैं चलती हूँ डिनर बनाने। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। और हाँ, व्लॉग एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ कि आज मेरे हस्बैंड क्या लाए हैं और मैं उसको कल लंच में प्रिपेयर करूंगी। मेरे हस्बैंड लाए हैं ये, इसको मैं कल लंच के लिए बनाऊंगी। इसको बाहर क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन ओडिशा में इसको छुई बोलते हैं, नाड़ी ऐसे बोलते हैं। इसको मैं कल लंच में प्रिपेयर करूंगी और इसका एक बहुत ही अच्छा रेसिपी कल मैं आपके साथ शेयर करूंगी कल वाले ब्लॉग में, आप ज़रूर उसको देखिएगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।